नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताना दोस्तों, अगर आपके पास Redmi Note 13 Pro 5G मोबाइल है दोस्तों, आप उसमें स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट करने के दोस्तों दो तरीके बताऊंगा दोस्तों। आप बटन से भी स्क्रीनशॉट कर पाएंगे और दोस्तों थ्री फिंगर से भी स्क्रीनशॉट कर पाएंगे। आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए क्या करना है, आपको बस सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर शो हो जाएगा। शो होने के बाद अब आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिट नेशनल सेटिंग, आपको सिंपली से टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेस्चर्स एंड शॉर्टकट, आपको सिंपली से टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा टैग ए स्क्रीनशॉट, आपको सिंपली सेलेक्ट में टाइप करना है। टाइप करने के बाद दोस्तों आप फर्स्ट वाला टिक इनेबल करेंगे। दोस्तों ये टिक इनेबल करने से आप थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट कर पाएंगे। दोस्तों नीचे टिक इनेबल करेंगे दोस्तों, अपना पावर बटन एक वॉल्यूम बटन एक साथ प्रेस करेंगे दोस्तों, आपके फोन में स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो इस तरह से अपने मोबाइल स्क्रीनशॉट कर पाएंगे। वीडियो से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बैठे के मिलेगा।